वेलकम बैक स्टूडेंट, स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को। मु सागर दशम श्रेणी पर नवम श्रेणी मध्य एग्जाम टाइम टेबुल आसी सारी। आई होप आपण मैंने टाइम टेबुल तो देखी सारी, बट ये भिडियो मध्यम आपको एक जनदेवि कौ डेट एग्जामिनेसन कौन कौन रही है, सहित केते केते टाइम दि जाए सब पेपर पर कौ टाइम स्टार्ट हो पेपर आपको एक्सट्रा टाइम मिलूँ सहित आपको ये बाकी तक समय केमी पढ़े से बाबद सम्यक सूचना दूसरी। आई होप आप बुझे सारी आपको केमी पढ़वार अच्छी, फिर भी कौ पर्टिकुला टॉपिक रे कौन कमी पढ़वार अच्छी से बाबद भिडियो शेष में निश्चित भाव में आपको जनाऊँ। चेस्ट करेंगे भिडियो को शेष पर्यटन देखा, यदि एपर्यंत आम चैनल सब्सक्राइबर ना सब्सक्राइब करनी, पाखे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन बटन को मध्य क्लिक करनी रही। तो स्टार्ट करवा मेन टॉपिक ऊपर को जी, प्रथम पेपर 13 अप्रैल स्टार्ट होंड यहाँ आपर सेकेंड लैंग्वेज इंग्लीश रु स्टार्ट होते कही रखुच्छी। पूर्व वर्ष अपेक्षा ए वर्ष संपूर्ण भाव बढ़िया से बदली है एंड आपर जो टाइम टेबुल आसी आई थिंक यहाँ सबुठ डिकेड रही दशंधि सबुठ बेस्ट टाइम टेबुल रिकज एम प्लानिंग करके टाइम टेबुल कौन से वर्ष दि जाए ना वर्ष प्रथम थर पर यह भाव में दि जाए। तो आशा करेंगे यहाँ प्रपर्ली मैनेज करेंगे। 13 तारीख एप्रिल मस द्वितीय भाषा बा सेकेंड लांगुएज इंग्लीश रोचे। 16 तारीख ता मैंने 14-15 दुई दिन आपण हाथ में छुट्टी रोचे गणित पेपर पर देखते बहुत सुंदर भाव में टाइम दि जाए आपण प्रिपेरेसन करने दुई दिन अंतराल 16 तारीख में आपर गणित पेपर रो थे गणित जमीती सबकि कवर हे ठीक अच्छे। तापर 17 तारीख में TLV पिला रोचे, तो आई होप आपने TLV सेक्शन में अंतर्भुक्त नुहंती, जदि भी कहीं TLV सेक्शन अंतर्भुक्त तेल 17 तारीख में एक प्राक्टिकाल रोचे। तो जो मैंने 18 तारीख में विज्ञान पेपर दौरान जो मैं TLV प्राक्टिकाल ना तो गोटे दिन वैकेंसी रोची, तो से आपण विज्ञान पेपर को कवर करार अच्छी। 18 तारीख एप्रिल मस विज्ञान पेपर रोचे। अगेन 19 तारीख एप्रिल आपर फास्ट लांगुएज ओडिया मैंने यहाँ पे आपको कौन सी समय मिलना छुट्टी रहा 20 तारीख में सामाजिक विज्ञान रोचे एंड 21 तारीख में तृतीय भाषा बा हिंदी बा संस्कृत आपणकर रोचे। इनडायरेक्टली आम कह गले 13 तारीख में इंग्लीश रोच, तो यार 2-3 दिन पूर्व जब आप प्रिपेरेसन स्टार्ट हो तो आपने इंग्लीश कम्प्लीटली टाइम पाँच। एगेन 16 तारीख में गणित पेपर पर 2 दिन फुल्ली टाइम पाँचतापर 18 तारीख में मैंने गोटे दिन छुट्टी देखिए आपर विज्ञान पेपर रोचे। तापर जो पेपर गुड़िक रोचे 19 तारीख 20 तारीख और 21 तारीख एपंक कौन सी छुट्टी दि जाऊ ना। आई होप आपर साहित्य कि हिंदी संस्कृत में कौन सी टाइम न दिगले चलो, बट भूगोल टाइम दि जाऊना से आपको एबारू टे भूगोल प्रति इतिहास प्रति टाइम टी स्पेड करने को पड़ो। आसतु जाना कौ पेपर आपको अधिक समय मिलू ना सका 8 टू 10 पर्यंत सब एग्जाम हम कि केवल गणित पेपर आपको एक्स्ट्रा 15 मिनिट्स टाइम मिलूँ ठीक अच्छे। समस्त एग्जामिनेसन आई थिंक 80 मार्क हम 30+50 अनुसार मैंने 50 आपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा 30 आपर सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा बोथ समेटिव 1 रु एवं समेटिव 2 सिलेबस रु क्वेश्चन आपको देखा मिल। समेटिव 1 30% सिलेबस आपर एग्जाम आसो मैंने जो 100 जो जो 80 मार्क क्वेश्चन हम से 30% क्वेश्चन आपर समेटिव 1 सिलेबस आसो मैंने 24 पाखापाखि मार्क आपर समेटिव 1 सिलेबस आसो एंड बाकी 56 मार्क आपर समेटिव 2 सिलेबस आसो एति आपने जत्न रहा नि दरकार। एवं आसतु केमी पढ़े राइट नवम श्रेणी पिलाने जो मैंने पूर्वर बिल्कुल भी पढ़ी ना एवं भी दंभ धरतु बाकी गोटे मस समय को आपने फुल इनभेस्ट करने पड़ो। बिल्कुल भी यूट्यूब एपट सेपट हो टाइम को स्पेंड करूँ ना, बिल्कुल निजर टाइम को अगर क्या दिंतु ना किए कहते हैं पढ़ु से पढ़ु सेमती ना निजे जहाँ प्रिफर कर जो अनुसार जाऊार जातु बास अधिका टी समय पढ़ाक फोकस करूँ। जदि स्कूल जाकि टाइम वेस्ट हो जाऊँ भावुंट या फिर स्कूल जावापर आपंकर टाइम सेल्फ स्टडी होना तो निहत भाव में स्कूल को ड्रॉप करके आपने निजर पाठ स्टार्ट करेंगे। जदि भावुंत घर रहा द्वारा पाठपढ़ा हो पारना तेल आपने निजे स्कूल निहत भाव में जॉइन करते मोर सजेसन रहा। एवं आसतु गणित पेपर को केमी सुंदर भाव में आम बाहर करें सरल मेथड तो किसी ना हार्डवर्क तो करने पड़ो आप स्मार्टली करें केमी भी करूँ रेगुलाली 20-30 क्वेश्चन आटेड करूँ ठीक अच्छे। एथेर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पारे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पारे ठीक अच्छे। यह व्यतीत आपने गोटे पेपर रे जोड़े पेपर आपर सबुत कौन फर्मूला को लिखा स्टार्ट करूँ
दुई तीन दिन लगे सबुतक फर्मुला को आपने गोटे दिन में लिखा कौन से आवश्यकता ना धीरे 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 करके दुई तीन दिन भितर एडजस्ट करके आपने सबुतक फर्मुला को खोजी खाजिक लिखि दिखुं गोटे कि जोड़े पेपर मध्य आउटे निजर जो भी बस कि पाठ पढ़ुन तार ठीक सामने पछपटे आप मुंड पछपटे लगे पारे ठीक अच्छे जो किसी पिला अच्छा कांथ को लगे पढ़ती किसी पिला अच्छा कांथ सामने रखिक पढ़ती तो जो भी आप प्रिफर करोटे कांथ अच्छी से अठा द्वारा लगे पढ़ी पारे कौन हम यह द्वारा रेगुलरली जब पाठ पढ़ा स्टार्ट करने पूर्व आपने गोटे कि दुई थर यह देखी नौ तो आपर आउ घोषा को पड़ा ना जो पाने परीक्षा पूर्व 5 मिनट पूर्व फर्मुला को देखिक जाती मे भी किसी फर्मुला मन पड़े नहीं जो फर्मुला सहित आकुएंटेड से गुड़ा मन रहे जोड़ा आकुएंटेड नाथान्ति सेमती से मन रही ना सपोज आपको ए प्लस बी रोल स्क्यर सूत्र कहे आपने चटपट लिखिदेवे बिकज यहाँ सहित आपुएंटेड अटंती ठीक से ही जिनको जब ए माइनस बी रोल क्यू आपको पचारिदे ए क्यू माइनस बी क्यू पचारिदे तो टी हड़बड़ हो जाती तो यही सब जिस गुड़ा ना आगे भूल हमें जब आपने रिपीटेडली गोटे थर पढ़े घोषा को मुझे सबुदिन पाठ पढ़ा स्टार्ट पूर्व आपने गोटे थर देखने यहाँ द्वारा गणित पेपर बहुत सुंदर भाव में जब रेगुलर 20-30 खंड गणित कर फर्मुला रखुचार सेकेंड रोचे आपर सोशल साइंस और साइंस ये दुईटा पेपर को आपको सर्ट नोट मध्यम पढ़ाक पड़ो विज्ञान और इतिहास भूगोल को आपको जिते सर्ट नोट बनई पारे जिते माइंड मैप बनई बनई पारे ठीक अच्छे ग्राफिकाली जिते पढ़े हिस्ट्री जियोग्राफी को आपर बहुत संभावना अच्छे मन रहा सेमती विज्ञान को जिते सर्ट नोट करके पढ़े ता बहुत सुंदर भाव में मन रहीपर एवं आसतु इंग्लीश एवं ओडिया एवं संस्कृत हिंदी ए पेपर गुड़ाक सब इजी कौन रही है तेल हिस्ट्री ए सरी एमआईएल मैंने साहित्य और संस्कृत हिंदी ए सेक्शन भितर आपको टी अधिक मार्क रखा ओडिया कि संस्कृत ग्रामर सेक्शन को निजर कमांड देवाक पड़ो ए बेसी इनभेस्ट करने पड़े ना बाकी सब तो हो बट ग्रामर सेक्शन आपको टी कष्टे ओवरलुक करेंगे इंग्लीश आपने रेगुलरली लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ा को ट्राए करूँ जदि आपंकर मन रोना घुसा को ट्राए करूँ जदि आप मन रही जाए आपर ट्रांसलेसन बहुत स्ट्रंग अच्छे तो ओडिया थीओरी को भल भाव पढ़ात ओडिया जो स्टोरीटा अच्छे मन रखा चेषा करूँ बाकी आपत एक्जाम को क्लीयर करेंगे से जना पड़ ठीक अच्छे एंड यह आपर समस्त एक्जाम पेपर रिपेरेसन आई होप आपने जानते एक्जाम केमती पढ़ती बट आपर कनसेट्रेसन रही न था चेष्टा करूँ निजर कनसेट्रेसन को क्लीयर करने को देखु आम बर्षक 12 मास मध्य 10 मास जाक पढ़वानी 11 नंबर मसरे पढ़वानी जो मसरे परीक्षा अच्छे से मसरे पढ़वानी परीक्षा पूर्व दिन पढ़वानी तो आमको किए आणिक मार्क देव भगवान देवे कि वर्ष जाक बुलवा परीक्षा पूर्व दिन बुलवा तो एमती तो एक्जाम क्लीयर हो पारे ना जो मैंने वर्ष जाक पढ़ुंट से बहुत कम परिश्रम द्वारा बहुत बढ़िया मार्क मिल जाव शेष समय कि जो मैंने बिल्कुल भी परिश्रम करोक खेली केमी ना से गोटे भयंकर स्ट्राटेजी नहीं कि आसी बहुत बढ़िया प्रिपेरेसन नहीं कि आसी से प्रिपेरेसन को फॉलो करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रेगुलरली रिविजन करती रेगुलरली टाइम टेबल को फॉलो करते यह द्वारा आपने देखी थे गोटे गोटे पिला अच्छा वर्ष तमाम मेहनत करेंगे 60-70% रखिथे कि लास्ट मोमेंट स्ट्राटेजी बनई फॉलो करके एग्जाम को 80% पर्यटन मार्क नहीं आसती आई होप आपने सेकेंड फर्मुला मध्य आपने बिलंग करती मैक्सिमम पिला यही लेवल रे न थांती कहीं ना से माने जो पिला रेगुलरली पढ़ती या तो से माने टॉप क्लास स्टूडेंट ही थांती या फिर से मानकर माइंड रे एते शार्प न थाए जहाँ फल माने कम मार्क रखी जाती टॉपर स्टूडेंट को किसी भी आवश्यकता ना से माने रेगुलरली पढ़े परीक्षा पूर्व भी पढ़े और 90% मार्क आनी ने जो मैंने 60-70% भितर रही जाती रेगुलरली पढ़िकी से कह मुमेंट्रे भी स्ट्राटेजी बनइबार अच्छे जदि से 90% अचीव करने को चाहते 60-70% रहा कौन से बोकामीर परिचय नुह बास आपड़ जानतु आपंकर स्ट्राटेजी फलो हो पारना जहाँफल सब पढ़ी आपने 60-70% रही जाऊँगी जदि परीक्षा किसी दिन पूर्व जब आप भयंकर स्ट्राटेजी आसगला आपको फलो करे आम स्योर आपने से टॉप क्लास स्टूडेंट रही बाकी रहा जो मैंने बिल्कुल पढ़ी ना आवरेज स्टूडेंट अटंती रेगुलरली पढ़ी ना परीक्षा समय स्ट्राटेजी बनातु रेगुलरली के समय देने आपको सैटिस्फैक्शन लगुच दिंतु बट से सबको रिविजन करूँ प्रिवियस इयर क्वेश्चन सहित देखिए 80% भी कम होता भी अधिक मार्क आनी पारे बहुत कम पिला यहाँ फॉलो करती तेणुक जदि आपने चाहूँ या फॉलो करने को बहुत पिला सहित सेयार करूँ जिते बड़े भी कमजोर लगुच सांगे सांगे आसिक भिडियो को देखु देखिए चार्ज हो बडी आपने पुनर्बार से ही फ्लो में गति करेंगे रही थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट परीक्षा पे फुल दम लगे दिंतु देखा परवर्त मुहूर्त थैंक यू सो मच।